सब्सक्राइब चैनल एंड द गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरअबुल सत्तार खान नाइन्थ क्ली नाइन्थ क्लास इंग्लिश क्वेश्चन आंसर ये माई इंग्लिश कोर्स बुक जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड की इसका टू पॉइंट फोर जो पोएम थी प्लीज लिसन इसकी इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज हम आज करेंगे लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स इसके आंसर हमने अंडरलाइन किए हैं

शायद जो है वो बेमदद नहीं है द पोइट वांट्स अदर्स टू डू समथिंग फॉर हिम शायर चाहता है कि कोई दूसरे उसके लिए कुछ करे ये गलत है वो खुद करना चाहता है क्वेश्चन नंबर थ्री है आंसर द फॉलोइंग हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम यानी जो पोए का स्पीकर है पोएट है वो कितना ऊंचा है कितना कितनी उम्र है उसकी द पोइट इज़ टीन एजर थर्टीन टू नाइनटीन ईयर्स ओल्ड यानी जो पोइट है वो टीन एजर है कम उम्र है उसकी तेरह से उन्नीस साल उम्र है वाट इज़ द पोइट अर्जिंग द लिसनर टू डू यानी शायर लिसनर uh, से क्या चाहता है द पोइट इज़ अर्जिंग द लिसनर टू जस्ट लिसन टू हिम यानी शायर चाहता है कि जो लिसनर है सुनने वाला है वो सिर्फ उसकी बात सुने हु इज़ ही शी टॉकिंग टू यानी पोइट वो किस से बात कर रहा है ही शी इज़ टॉकिंग टू ऑल ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स फ्रेंड्स रिलेटिव एंड एल्डर्स यानी किससे किससे बात कर रहा है इंसानों से जिसमें उसके पेरेंट्स हैं वालदेन हैं दोस्त फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स रिश्तेदार एंड एल्डर्स और उसके बड़े हैं क्वेश्चन नंबर फोर राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग चीप एक्सपेंसिव चीप यानी सस्ता एक्सपेंसिव यानी महंगा डिसक्रेज यानी बे बेहिम्मत इनक्रेज यानी हिम्मत वाला एडिक्वेसी इन एडिक्वेसी एक्सेप्ट रिजेक्ट सिंपल डिफ़िकल्ट रैशनल इन टोकट म्यूट ये अल्फाज की ज़िद्द है अपोजिट वर्ड्स है एंटोनिम्स है क्वेश्चन नंबर फोर आंसर द फॉलोइंगे दिए गए सवाल के जवाब लिखिए पहला है इज़ द स्पीकर अवेयर ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग्स जो स्पीकर ऑफ द पोएम है उसे अपनी गलतियों का एहसास है यस द स्पीकर इज़ अवेयर ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग्स ही एडमिट डेट ही में बी डिसेज एंड हेजिटेंट हारबर्स फियर एंड माइड बी इन एडिकुट यानि स्पीकर क्या कहता है वो उस बारे में से पता है कि वो अपनी कमियों को बारे में जानता है वो कबूल भी करता है कि वो थोड़ा झिझकता है और अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करता है डज़ स्पीकर वान्ट टू इम्प्रूव यानि स्पीकर अपने आप को बेहतर करना चाहता है यस द स्पीकर वान्ट टू इम्प्रूव हाँ स्पीकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है इज़ द स्पीकर कॉन्फिडेंट डेट ही शी कैन इम्प्रूव यानी स्पीकर जो है कॉन्फिडेंट है क्या वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकेगा यस द स्पीकर सेज़ डेट ही शी मे बी डिसेज बट इज़ नॉट हेल्पलेस ही शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड नोज़ वाट शुड बी डन टू इम्प्रूव यानी वो डिसेज बे हिम्मत ज़रूर है लेकिन बेमदद नहीं है और उसे भरोसा है अपने आप पर कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे काबू पा लेंगे चौथे क्वेश्चन का आंसर है फाइंड द वर्ड्स डैट आर रिलेटेड टू माइंड ऐसे अल्फाज बयान कीजिए जिसका ताल्लुक जहन से है डिसक्रेज यानी बेहिमत फियर यानी हॉफ फीलिंग यानी एहसास अंडरस्टैंड यानी समझ क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका ये है इज़ द पोइट विलिंग टू लिसन टू अदर्स कि शायद दूसरों की बात सुनना चाहता है यस द पोइट इज़ विलिंग टू लिसन टू अदर्स हाँ शायद दूसरों की बात सुनना चाहता है एट द एंड ऑफ द पोएम द पोएट सेज टू हिस्सनर्स डेट ही शी वुड लिसन टू दिम इफ़ दे विश टू टॉक आखिर में वो कहता है कि मैं दूसरों की बातें सुनना चाहता हूँ अगर वो उन्हें कुछ बयान करना चाहते हैं या उनकी ख्वाहिश है कुछ बोलने की इसका बी है द पोइट वांट्स टू इम्प्रूव हाउ डज़ ही शी वांट टू वर्क इट आउट यानी पोएट अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है वो उसे कैसे इम्प्रूव करेगा द पोएट वांट्स टू इम्प्रूव बाय वर्किंग इट आउट बाय टॉकिंग टू अ गुड लिसनर यानी पोइट अपने आप को इम्प्रूव करेगा वो बेहतर तरीके से बात करके अच्छे सुनने वाले बन के द वन हु गो लाइक गॉड कैन जस्ट लिसन एंड लेट हिम हर वर्क ऑन इज़ हर ओन द पोट डज नॉट नीड एनी एडवाइस यानी जो खुदा से डरता है ये जो खुदा को मानता है वो उसके अपने काम से काम रखता है और वो उसे एडवाइस नहीं देता और उसे अपने हाल पर छोड़ देता है द पोर्ट डज नॉट नीड एनी एडवाइस शायर को किसी किस्म का मशवरा नहीं चाहिए पर्सनल रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है डिस्कस हाउ यू कैन बी अ गुड लिसनर आप एक अच्छे सुनने वाले कैसे बन सकते हैं आई कैन बी अ गुड लिसनर इफ़ आई स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स मैं बेहतर लिसनर बेहतर सुनने वाला बन सकता हूँ जब मैं दूसरों की बातें सुनूंगा विद फुल अटेंशन पूरी तवज्जो से अ गुड लिसनर मस्ट अंडरस्टैंड द थाट्स एंड फीलिंग्स ऑफ हिज हर स्पीकर एक अच्छा सुनने वाले के पास एहसासाथ होते हैं वो सोचता है To be a good listener, I will try to maintain eye contact with the speaker. एक अच्छा सुनने वाला क्या करता है वो eye contact बनाता है और यानी आँखों में आँखें डाल कर बात करता है जो बोलने वाला है speaker है उससे I will show गेस्चर to indicate that I am listening और मैं इस तरीके से ज़ाहिर कर सकता हूँ कि मैं उसे बेहतर तरीके से सुन रहा हूँ आई विल interrupting इंटरप्टिंग जम्पिंग टू कंक्लूजन और मैं बिल्कुल भी इसे अवॉइड करूँगा या बीच में दखल अंदाजी नहीं करूँगा और किसी कंक्लूजन पर किसी बात पर आखिर में पहुंचने की, नहीं की कोशिश नहीं करूँगा फौरी रद्दमल नहीं जाहिर करूँगा उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा